भारत के इतिहास में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब देश की पहली महिला रक्षा मंत्री ने सबसे बड़ी उड़ान भरी। जी हाँ, मोदी सरकार के राज में सीतारमन भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री बन चुकी हैं, जिन्होंने लड़ाकू विमान की कमान संभाली। आज सुबह जोधपुर के हवाई अड्डे पहुंची सीतारमन ने न सिर्फ लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाया, बल्कि अभियान की तैयारियों से लेकर युद्ध क्षमताओं का जायजा भी लिया। वैसे सुखोई को वायुसेना के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है, क्योंकि सुखोई एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो देश के खेमे में जाकर उसे तबाह करना जानता है। और शायद यही वजह है कि सीतारमन ने तमाम लड़ाकू विमानों में सिर्फ सुखोई को ही चुना। तस्वीरों में आप सीतारमन को पायलट सूट पहने हुए साफ देख सकते हैं। और ये देखिए, उड़ान भरने के लिए तैयार सीतारमन आखिरकार कॉकपिट में बैठ जाती हैं और उड़ान भर लेती हैं। वैसे अब तक सुखोई के उड़ान भरने वालों में जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल का नाम आता है, जिसमें अब देश की दुर्गा यानी निर्मला सीतारमन का भी नाम जुड़ चुका है। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।